बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2020 के कोविड दौर को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज ने फेस किया है। उन्होंने कहा, बीते वर्ष में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए और उन्हें पूरा किया। वीडी शर्मा ने 2020 की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि धारा 370 हटाना, सीएए कानून को बनाना, 3 तलाक, अयोध्या राम मंदिर निर्माण को इतिहास में जाना जाएगा। 2021 में देश और प्रदेश पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। गुड गवर्नेंस के लिए सरकार काम करेगी। बीजेपी किसी भी प्रकार की चुनौती को अवसर में बदलना जानती है। कोरोना के संकट में भी पीएम मोदी ने अवसर को आत्मनिर्भर में बदला, जो कि सकारात्मक सोच को बताता है और यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा, 2021 में संगठन को गति देने का काम किया जाएगा। हर समाज वर्ग के लिए हम सुशासन देने का काम करेंगे। 2020 कई बातों के लिए देश के अंदर जाना जाएगा। जिस विचार के लिए, जिस थॉट के लिए और जिस बलिदान के कारण से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, ऐसी धारा 370 को संसद के अंदर हटाना, सीए कानून बना करके उन लोगों को जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, उनके उस मन भावना को पूरा करना, 3 तलाक जैसे केंद्र की सरकार ने निर्णय लेकर के देश के अंदर जो इतिहास बनाया और करोड़ों करोड़ भारतवासियों के उस सपने को जो 500 वर्षों से पूरा नहीं हुआ था, ऐसे राम मंदिर के निर्माण की शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा करना, 2020 उस इतिहास के लिए देश के अंदर जाना जाएगा। और आगामी आज से प्रारंभ होने वाला 2021 भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैंने कहा ना कि 2021 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो संगठन का तंत्र है उसको और गति देना और ताकतवर बनाना, जो पहले से है उसको और गति देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और सरकार के तौर पर गुड गवर्नेंस, गरीबों के हितों के कल्याण की सरकार, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, हर समाज वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नेतृत्व में हम एक सुशासन देने का काम, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना संजोया था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।